हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेके आए आपके लिए कुछ अहम जानकारियाँ जो इंडिया में हर नागरिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम सब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं। तो इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए आप लोगों को टेक्नोलॉजी की कुछ अहम जानकारियाँ देते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के अहम जानकारी की। तो दोस्तों, सरकार ने जो है अपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करके, यानी कि अमेंडमेंट करके, नए रूल्स और नए फाइन को डिफाइन किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब इंडिया में ड्राइविंग करना आसान नहीं है और उसके लिए आप लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो देखते रहिए इस चैनल को और मेरे वीडियो को, जिसमें आगे हम बताएंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंडमेंट हो के आया है उसमें क्या-क्या चार्जेस और क्या-क्या फाइन लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल गैजेट रूट पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारियाँ सबको मिल सके। तो दोस्तों, फिर बात करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेशन की, जो कि इंडिया में 1 सितंबर यानी कि आज से ये अमेंडमेंट लागू हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। जी हाँ, तो हम लोग जैसा जानते हैं कि इंडिया में कोई भी ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो ठीक से नहीं करता है, जिसकी वजह से हम लोगों की ही वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आमतौर पर लोग जो है हेलमेट लगा के ड्राइविंग नहीं करते हैं, बाइक पे सीट बेल्ट बांध के ड्राइविंग नहीं करते हैं कार में। तो अब अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हाँ, आज से ही जो है सरकार ने ये जुर्माना जो है इंक्रीज कर दिया है। जो पहले कम फाइन लगता था, अब वो काफ़ी मात्रा में आपको फाइन देना पड़ सकता है और तो और फाइन के साथ साथ जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है आज की डेट में। और बात करें अगर मोटर व्हीकल एक्ट की, जी हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो कि अमेंडमेंट होके आया है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नियम तोड़ने पर हम लोगों को कितना जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट शो करती है कि अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं विदाउट लाइसेंस, तो जो पहले फीस पड़ती थी फाइन के तौर पर, जुर्माने के तौर पर 500, वो इंक्रीज होके 5,000 रुपीज़ हो गई है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उसका जो फाइन था वो 1,000 रुपीज़ था, जो कि बढ़कर 2,000 रुपीज़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पूरी लिस्ट को जो कि अमेंडमेंट होके आई है। सरकार ने इस नियम को तोड़ने पर काफ़ी ज़्यादा जुर्माना रखा हुआ है और साथ ही साथ अगर आप का नियम तोड़ने पर अगर आप दंडित किए जाते हैं या आपको ये जुर्माना भरना पड़ता है, तो हो सकता है ये जुर्माना आपको न्यायालय के समक्ष जाकर भरना पड़े। तो ये काफ़ी गंभीर बात है और सोचने वाली बात है कि हम लोग जो हैं ट्रैफिक नियमों को आप पालन ठीक से नहीं करते हैं। तो आशा यही करते हैं कि आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन करें और ट्रैफिक रूल को फॉलो करें बहुत सही ढंग से। ठीक है दोस्तों, और इसी लिस्ट में आगे देखते हैं हम लोग, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं तो जो उसका फाइन था वो 100 रुपीज़ था, जो कि बढ़कर 1,000 रुपीज़ हो गया है। और तो और साथ ही साथ 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आप बार बार बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा फॉर 3 मंथ के लिए। और इसी में आगे देखते हैं कि बहुत सारी है, आप देख सकते हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी 25,000 रुपया जुर्माना रखा गया है। और अगर
जो नाबालिग बच्चे होते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके गार्जियंस यानी कि उनके माता पिता को ये 25,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 3 साल के लिए जो है बैन भी लगाया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि ये सरकार ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही कड़ा कदम है ड्राइविंग के तहत और नियमों का उल्लंघन के तहत। तो दोस्तों इस लिस्ट में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुरक्षित ड्राइविंग करना आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए अच्छी बात है। और ड्राइविंग करते समय हमेशा याद रखिए कि आपकी फैमिली आपका घर पे इंतज़ार कर रही है दोस्तों। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आज की डेट में बहुत खास है। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के लिए बस इतना ही, और आगे बात करते हैं आज हम लोग टेक्नोलॉजी की और आने वाले कुछ नए अपडेट्स की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले कुछ नए अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों बात करें आज के पहले अपडेट की, तो ये जो पहला अपडेट है ये रेडमी की तरफ से है। जी हाँ, रेडमी ने अपनी रेडमी टीवी जो कि चाइना में 29 अगस्त को लॉन्च की है उसके बारे में थोड़ी सी ये डिटेल लीक हुई है। ये जो टीवी है ये 70 इंच की होने वाली है और ये टीवी ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुकी है और आने वाले समय में इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। आप देख सकते हैं इस टीवी को, इसका जो स्क्रीन साइज है ये 70 इंच का है। जी हाँ, ये स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ा है और सबसे अच्छी खास बात इस टीवी की ये है कि ये चाइना में 3,799 युआन में लॉन्च हुई है, यानी कि अगर इंडियन मार्केट में इसका प्राइस देखा जाए तो अप्रॉक्स 38 से 40 हज़ार रुपये के बीच में अगर इस प्राइस में इंडिया में ये टीवी लॉन्च होती है तो रेडमी की तरफ से ये टीवी इंडियन मार्केट में काफ़ी धूम मचाने वाली है दोस्तों। तो देखते हैं ये टीवी इंडिया में कब तक आती है और किस प्राइस रेंज में आती है दोस्तों। बात करें अगर अगले अपडेट की दोस्तों, तो ये भी अपडेट जो है, ये जो अगला अपडेट है ये भी एमआई टीवी की तरफ से है दोस्तों। एमआई की जो पहले लॉन्च की गई टीवी MI 4A Pro और 4C Pro के लिए, एमआई कंपनी ने इन टीवियों के लिए 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट देना शुरू कर दिया है और ये सितंबर महीने में आप लोगों को आपकी टीवी में ये अपडेट मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड 9 पाई का होने वाला है और काफ़ी कुछ खास फीचर्स इसमें जुड़ने वाले हैं। तो ये अपडेट आते ही आपकी टीवी, जो लोग एमआई टीवी यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बात करें अगले अपडेट की, तो ये जो अगला अपडेट है ये Insta360 Go की तरफ से है। जी हाँ, Insta360 Go एक कंपनी है जो कि स्मॉल कैमरा बनाती है और इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक स्मॉल कैमरा जो कि 360 डिग्री रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस। तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा कैमरा है, आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं और 360 डिग्री की वीडियो शूट कर सकते हैं। स्पेशली स्पोर्ट पर्सन और इन लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है ये कैमरा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये कैमरा जो है आप देख सकते हैं कि AI इनेबल्ड है और 50 सेकेंड 30 सेकेंड तक की ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो देखते हैं ये किस प्राइस टैग में लॉन्च होता है। और ये जो Insta360 Go कैमरा है ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैमरा है। तो दोस्तों और देखते हैं इसके जो खास फीचर हैं वो ऑटो एडिटिंग के हैं। आप इसमें आपको हाइपरलैप्स, वाटर असिस्टेंट, माउंट एनीवेयर, बैरल रोल, हैंड्स फ्री और स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या कुछ खास करता है ये स्मॉल कैमरा और कितना यूज़फुल होता है ये लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर अगला अपडेट की, तो जो अगला अपडेट है दोस्तों वो नोकिया की तरफ से है। जी हाँ, नोकिया जो है नंबर 1 ब्रांड बन गया है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 ब्रांड बन गया है। अरे नहीं दोस्तों, सेल के मामले में नहीं, ये अपने फीचर्स के मामले में नंबर 1 बन गया है। हाल ही में नोकिया ने जितने भी अपने फ़ोन लॉन्च किए हैं 3.1, 5.1 और 6.1 जितने भी फ़ोन इन्होंने लॉन्च किए हैं ये एंड्रॉयड वर्जन पे लॉन्च किए हैं
और नोकिया जो कंपनी है लगातार अपने फ़ोनों में अपडेट देती रहती है, तो इसी वजह से दोस्तों नोकिया नंबर वन ब्रांड बन गया है अपडेट देने के मामले में। जी हाँ, और नंबर दूसरे स्थान पर जो है, यानी कि नंबर टू स्थान पर जो है वो सैमसंग है, जो कि 89% से नंबर सेकंड स्थान पर है, और नंबर वन स्थान पर नोकिया ब्रांड बन गया है अपने अपडेट के मामले में। यानी कि जो भी लोग नोकिया का फ़ोन यूज़ करते हैं उनको रेगुलरली स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ से लगातार आपको अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहते हैं, इसी वजह से नोकिया नंबर वन ब्रांड बन गया है अपने अपडेट फीचर्स की वजह से। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो है एप्पल कंपनी की तरफ से। जी हाँ, एप्पल अपनी सीरीज़ में जो एप्पल का 11 सीरीज़ का फ़ोन है वो 10 सितंबर को लॉन्च कर रहा है, और ये जो फ़ोन है आप लोगों को 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे, और इसके लिए जो प्री ऑर्डर है वो 13 सितंबर से चालू हो जाएंगे दोस्तों। और एप्पल अपने 3 फ़ोन लॉन्च कर रहा है, आप देख सकते हैं, एप्पल 11R यानी कि आईफोन 11R, आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये 3 फ़ोन हैं जो एप्पल 2019 में लॉन्च करने वाला है। अब देखते हैं 10 सितंबर को कि एप्पल इन फ़ोनों में क्या क्या फीचर्स देता है, और देखने में तो आता है कि इस फ़ोन में बैक साइड पे ट्रिपल रियर कैमरा होने वाले हैं। बाकी देखते हैं जब ये एप्पल का फ़ोन लॉन्च होता है, आईफोन लॉन्च होता है, तो ट्रिपल रियर कैमरा के साथ साथ इंडियन मार्केट में इसकी क्या कीमत रहती है। वैसे भी एप्पल अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और इंडिया में इसकी कीमत जो है काफ़ी हाई रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो देखते हैं ये आईफोन 11 इंडियन मार्केट में कितनी कीमत में लॉन्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो अपडेट है वो Xiaomi की तरफ से है। जी हाँ, Xiaomi का जो MIA3 फ़ोन है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, अब ये आप लोग फ़ोन किसी भी समय यानी कि 24/7 हाउस कभी भी ख़रीद सकते हैं MI.com और Flipkart से। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो कीमत 4GB प्लस 64GB की जो कीमत है वो 12,999 रुपीज़, और 6GB प्लस 128GB की कीमत 15,999 रुपीज़ है। तो आप लोग ये किसी भी समय MI.com और Flipkart से फ़ोन ख़रीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप लोग मेरे चैनल पर, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।